प्रणाम बच्चों, भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जगह है हमको उसका परिचय नहीं है। इस पाठ से हम ऐसे विभिन्न जगहों का परिचय प्राप्त करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पाठ 9, दिल्ली। पाठ 9, दिल्ली। भारत हमारा देश है, दिल्ली इसकी राजधानी है। इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है। इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक हैं। दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं जो लाल पत्थर से बने हैं। दीवाने खास संगमरमर से बना है। इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है। लाल किले के पास ही जामा मस्जिद है। यह बहुत बड़ी मस्जिद है। यह मुगल बादशाहों की शान शौकत की यादगार है। बच्चों, आपको पता है भारत हमारा देश है। यह बहुत बड़ा देश है। दिल्ली इसकी राजधानी है। वहाँ एक विशाल नगर है। हम यहाँ पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। सभ्यताओं का मतलब है संस्कृति, कल्चर। यहाँ पर हम पुरानी और नई संस्कृति को देख सकते हैं। दिल्ली का लाल किला मतलब रेड फोर्ट बहुत प्रसिद्ध है। इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने के लिए बहुत सुंदर है। दीवाने आम एक कमरा है। वहाँ आम आदमी राजा से मिलने की जगह है। दीवाने आम 60 सुंदर खंबे है। दीवाने आम में 60 का मतलब है 60 सुंदर खंबे है और वो भी लाल पत्थर से बने हैं, रेड स्टोन से। दीवाने खास भी एक कमरा है जहां पर खास आदमी ही राजा से मिलने आते हैं। कुछ सीक्रेट बात करनी हो तो वहां आते थे। दीवाने खास को संगमरमर से बना है। संगमरमर का मतलब है मार्बल्स। और दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है। नक्काशी का मतलब है पेंटिंग्स। लाल किले के पास ही जामा मस्जिद है। यह बहुत बड़ी मस्जिद है। मुगल बादशाहों की शान शौकत की यादगार है। शान शौकत का मतलब वैभव का यादगार है। दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है। यह 238 फुट ऊंची है। दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार देखने के लिए बहुत सुंदर है। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंड स्टोन से बनी है। यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है। नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है। संसद भवन बड़ा रमणीय है। यह गोलाकार सदन संसार में निराला है। लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन इसी सदन में होते हैं। नई दिल्ली की शोभा अनोखी है, अद्भुत है। नई दिल्ली की शोभा अद्भुत है। अब देखने के लायक है, आप देखते ही रह जाओगे। संसद भवन बड़ा रमणीय है। यह गोलाकार सदन संसार में निराला है। निराला का मतलब है सुंदर है।
लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन इसी सदन में होते हैं। अधिवेशन का मतलब है सेशंस, इसी सदन में होते हैं। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है। इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय भी है। उसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कानाट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थान है। दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कानाट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थान है। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, मतलब उनका रहने की जगह रेसिडेंस है। राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यही करते हैं। देश विदेशों से कोई गेस्ट आए तो उनका आदर सत्कार यही करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है। राष्ट्रपति का ऑफिस भी इसी भवन में है। इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय भी है। वस्तु संग्रहालय का मतलब है म्यूजियम भी है। उसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। ओल्ड प्राचीन का मतलब है ओल्ड कुछ वस्तुओं है ना, अमूल्य वस्तु उनका संग्रह भी है। दिल्ली में इसके अलावा भी और भी जगह है, दर्शनीय स्थान है। राजघाट है, शांतिवन, जंतर मंतर, कानाट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर और भी अनेक दर्शनीय स्थान हिस्टोरिकल प्लेसेस है।